शुक्ल कमरु बे इशारते ही अशुभ हो बदा मिन तलाते ही अशुभ हो बदा। वो चौदहवीं के रात के चांद की तरह चमकने वाला वद्दुहा का चेहरा अशुभ हो बदा। अरे उसके चेहरा देखकर सुबह ने निकलना शुरू किया तो फरमाते अबू हुरैरा मैंने अपनी आंखों से देखा कि शजर बाहर निकल आते और दौड़ पड़ते जमीन पर तने लिए हुए सरकार के इर्द गिर्द हुजूम हो जाता और हम बाहर हो जाते। सरकार जब कदाए हाजत से फारग होते तो अबू हुरैरा कहते हैं गवाही अबू हुरैरा की जो 6 लाख अहादीस का हाफिज था वो कहते हैं मैं जमीन पर झुक कर मैंने हुजूर के फजला मुबारक को सूंगा पेशाब मुबारक को चूमा और फजला मुबारक को सूंगा तो उस पे कस्तूरी और इत्र की खुशबू आ रही थी। अल्लाह के रसूल का जलीलुल कदर साहबी कसम उठाकर कहता है कि वो खुशबू मैंने इस दुनिया में कभी नहीं सूंगी। तो कितना फर्क हुआ। हाय हाय एक बंदा आंखों लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजले ते असा ने फुजले च के फर्क होया। सुनियो जी जरा जुमला सुनियो वलायत शाह सुने मजा कहने हुजूर दे फुजला मुबारक और साडे फुजलिया विच के फर्क है। मैं क्या अबू हुरैरा दी जबान दे मुताबिक उत्थे अगर बंदा पहुंच जावे जिथे आप कजाए हाजत फरमाइए ते उत्थे हल्लण नहीं होना खुशबू नहीं वजह तू खुशबू दी वजह तू हल्ले ते दिल नहीं करा हल्लण नहीं होना ते मौलवी बन विंजे शेखुल कुरान अंदर ते अंदर खलण नहीं आता। पावे तू शेख हदीस है पावे तू शेखुल कुरान है पर बड़ा फर्क है तेरे और कमली वाले उतू अबू हुरैरा नू आलण नहीं होना ते कार आले कोल पुछ के बीवी भी गवाही देसी आई औण निकलिया पैड़ा औण निकलिया अंदर खलण नहीं होना। कार दे बंदे कोल पुछ कार दे बंदे कोल ते कार दे बंदे उथे भी बोलते पेन सैयदा आयशा कोल पुछ मकामे मुस्तफा पुछया गया ते फरमाया काना खुल को हुल कुरान अगर चलना फिरना कुरान नी आयात नू जमीन ते वेखना चाहना है ते कमली वाले दी चाल नू वेख दे आप दी सीरत नू वेख ले उथे भी बीवी महबूबा बीवी गवाही दे रही है और तेरी भी गवाही दे रही है दोवां गवाहियां च फर्क तू आप तक लै। ओए दसो अल्लाह नू आज़र नाज़र रखे आखो मैं कोई गल गलत कीती है हाथ चाओ ठीक कीती है कि नहीं ऐ तको जी इतने मखलूक हाथ चाए ये सारे मेरा कोई मुरीद नहीं जे तुसी आखो मैं मुरीद गिन के आया तो मैं मिन्नत कीती जे मैं पेर मेरे अली शाह ना पोतरा यारा मेरी हर गल नहीं ताईद करो अजकल कोई ताईद नहीं करना गल जिहड़ी समझ च वड़े वह बंदे मन्नन जी। ये मीडिया का दौर है लोग बेदार मगज हो गए हैं अब वो जहालत का दौर गुजर गया अब लोग हवालों से नहीं जानते इंसान को अपनी शीरी मकालों से जानते हैं।
इल्म के हवाले से जानते हैं कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। मैंने उन नाजुक चीजों को छुआ है आज कि अच्छा अच्छा ज़हीन मौलवी भी उस पर बोलने से कतराता है। ये इंसान की कमीनगी है कि जब वो कमीनगी पर उतर आए तो उसकी असल को बताना पड़ता है, उस पर जाहिर करना पड़ता है कि तेरी औकात ये है। अल्लाह ने इंसान को कुरान मजीद में कई जगह कहा कि तू नाशुकरा है। अम्मल इंसान हो इजा मबतला हो रब्बहू फअकरमहू वनअमहू फयकूल रब्बी अकरमन। जब मैं उसको रिज़्क़ देता हूं, कर्म करता हूं, तो कहता है मेरे रब दिया मेहरबानियां मेरे दे, अब तक मेरी के ऐसी ऐसी, और बड़ा सखी दाता है सुभान अल्लाह। दिल करना है मसीती जी रहमा। मौली साहब कट के नहीं, वैसे दिल करना। अल्लाह अल्लाह करिए जाके, कैसा करीम है। ए, लैंड क्रूजर दिती करोड़ अरब रुपए ना मालिक की तरह मजा आ रहा है सखी तो यह जो ना। वह अम्मा ऐसा मुबतला हो फकदर आलै हिरिज कहू फयकूल रब्बी अहन। ते जिस वेले मैं रिजक छिकना, नोटा नहीं आमदन च फर्क पैना है। खासकर दो चार तबके ऐसे हैं जो नोटों की आमद और रफ्त में बड़ा मलका रखते हैं, जहानत है उनकी। उनको पता होता है कि किस दिन में कितनी आमदनी होगी, उनको यह भी पता होता है कि फलां आदमी कितने पैसे देता है, फलां कितना कंजूस है, फलां कितना सखी है। इसने कल 10 रुपए दिए थे, आज तो बड़ा कमीना बन गया, 1 रुपया दे गया। इतना उनका सेंस होता है। अरे कमबख्तो, इतना हफ्जा अगर मिल ही गया तो कुरान याद कर लेते, कुरान याद कर लेते। आदमियों के चेहरे, उनके पते, उनके नजराने की मकदारें तुम्हें याद हैं, लेकिन कुरान नहीं याद किया। तो ये तबका भी है। क्या मैं कह रहा था? हाँ हाँ। तो जिस वक्त मैं रिज़्क़ को खींचता हूं, जरा रफ्तार कम कर देता हूं, कहते हैं यकूल रब्बी आनन, कहता है अल्लाह ने मेरी बड़ी तौहीन कर दी, बंदियां बेच जलील करके रख छोड़ा से के आखा। सारी बिरादरी च नक कप के रख छोड़ा, गिले शिकवे मुंह लमका के बह बिन्ने हैं जी। ते जिसले देवा उसले आना, मौली साहब आजान दीती ने मस्जिद आओ जी चौधरी साहब, ओ तू पढ़ के ना, मैंने ते जरूरी तू ही तुसी पढ़।